राष्ट्रपति जी ये बताइए, खबर आ रही है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई थी उनकी जमानत पर, और पूरी सुनवाई हुई और उसके बाद आज ये खबर सामने आई, तो राहत की खबर आपके लिए? बहुत बढ़िया, चूंकि आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा ही। सच तो जो है वो कभी भी छुप नहीं सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान ले लिया कि जिस प्रकार से भाजपा ने ईडी का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों से किया, ये सारा अब खुल के सामने आ गया। किस प्रकार से भाजपा ने ईडी को बना लिया ये एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट और वसूली का साधन बनाया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया। रिलीफ एक के बाद एक सारे नेता आ रहे हैं। पंकज आपके पास, आप बात करते रहिए। संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हैं। संजय बताइए, कैसे मिली जमानत संजय सिंह को? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत ने इस पूरे मामले को सुना और उसके बाद अभी बस तुरंत उन्होंने ऑर्डर लिखा ही रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि संजय सिंह को जमानत दी जाए, जमानत पर रिहा किया जाए, इसका आदेश दिया है। और ये कहा है कि लोअर कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बीच जब तक इस मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता तब तक संजय सिंह जमानत पर बाहर रहेंगे और वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं।